हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है 18 जून 2018 को होने वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो चलिए देखते हैं गाइस, हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में कई न्यू राइवलरी स्टार्ट होते हुए दिख सकती है, क्योंकि ये होगा मनी इन द बैंक के बाद का पहला रॉ और ये रॉ काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। और गाइस, इस मंडे नाइट रॉ में हमें डीन एम्ब्रोस का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डीन एम्ब्रोस अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और WWE उन्हें किसी राइवलरी में डालने की इंतजार कर रही है। गाइस, इस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत कर सकते हैं अलायस, जहां पे वो सेथ रॉलिंस से हार गए होंगे मनी इन द बैंक में, और उस सेगमेंट में अलायस उल्टी सीधी बातें कर रहे होंगे सेथ रॉलिंस के बारे में, जिसके बाद सेथ रॉलिंस आएंगे और अटैक करने लगेंगे अलायस पर, फिर पीछे से आके अटैक करने लगेंगे सेथ रॉलिंस पर जिंदर महल, जहां पे जिंदर महल रोमन रेंस से हार गए होंगे मनी इन द बैंक में, फिर सेथ रॉलिंस को बचाने आएंगे रोमन रेंस और अटैक करने लगेंगे अलायस और जिंदर महल पर। गाइस, फिर पीछे से आएंगे केविन ओवन और अटैक करने लगेंगे रोमन रेंस पर। केविन ओवन इसलिए आएंगे क्योंकि उनके पास कोई अपोनेंट नहीं बचा होगा फेस करने के लिए। गाइस, फिर अलायस, जिंदर महल और केविन ओवन तीनों मिलकर अटैक करने लगेंगे रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस पर। फिर गाइस, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को बचाने आएंगे ऐसे सुपरस्टार जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गाइस, वो कोई और नहीं, वो होंगे डीन एम्ब्रोस। फिर डीन एम्ब्रोस आकर सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे और रिंग के बाहर कर देंगे अलायस, जिंदर महल और केविन ओवन को। गाइस, फिर हमें मैच कंफर्म होते हुए दिख सकता है मेन इवेंट में, जो होगा शील्ड ब्रदर्स यानी डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवन, जिंदर महल और अलायस के बीच। गाइस, इसके बाद हमें सेगमेंट देखने मिल सकता है रोंडा राउजी का, जहां पे वो हरा चुकी होगी मनी इन द बैंक में नाया जैक्स को और बन चुकी होगी न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन, और फिर आएगी नाया जैक्स और डिमांड करेगी अपने रीमैच के लिए, जहाँ पे रोंडा राउजी नाया जैक्स के साथ फिर से मैच लड़ने के लिए रेडी हो जाती होगी। और फिर आएंगे कर्ट एंगल और अनाउंस करेंगे हमें इन दोनों के बीच फिर से मैच देखने मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक्सट्रीम रूल्स में, क्योंकि गाइज हम सब जानते हैं मनी इन द बैंक के बाद जो पेपर व्यू आएगा वो होगा एक्सट्रीम रूल्स। गाइज, इसके बाद हमें मैच देखने मिल सकता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ब्रे वाइट एंड मैट हार्डी वर्सेस द बी टीम, मतलब कर्टिस एक्सल एंड बो डैलस के बीच, जहां पे बी टीम मनी इन द बैंक में हरा चुकी होगी ब्रे वाइट और मैट हार्डी को और बन चुकी होगी न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन, और ये एक रीमैच होगा मैट हार्डी और ब्रे वाइट का, क्योंकि बहुत बार हमें रीमैच देखने को मिल चुका है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। गाइज, हो सकता है फिर से इस मैच में जीत हो बी टीम, मतलब कर्टिस एक्सल एंड बो डैलस की, और फिर हो सकता है मैच खत्म होने के बाद ब्रे वाइट अटैक कर दे मैट हार्डी पर, और हो सकता है हमें इन दोनों के बीच फिर से राइवलरी देखने को मिले आने वाली मनी नाइट रॉ के एपिसोड में। गाइज, हमें मनी इन द बैंक के विनर का सेलिब्रेशन भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो मेंस से हो या फिर वुमेन्स से। गाइज, यही सब चीज़ हमें देखने को मिल सकती है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ, मतलब 18 जून 2018 को होने वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसका फायदा ये होगा, मैं कभी भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।